तो आज बनाएंगे आलू का चटपटा क्रिस्पी सा और फटाफट से बनने वाला स्नैक्स जो बच्चों को खूब पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गैस पर मैंने एक बर्तन रख दिया है, उसमें डाल दिया एक बड़ा कटोरा पानी, उसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और गैस को ऑन करके पानी को उबलने के लिए रख देते हैं। तीन मैंने कच्चे आलू लिए, अब इनके हमने पीसेस काट लेने। देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से हम तीनों आलू के पीसेस काट लेंगे। आपको पीसेस ना तो ज़्यादा पतले काटने हैं, ज़्यादा ना ही ज़्यादा मोटे काटने हैं, बिल्कुल मीडियम साइज़ के काटने हैं। देखिए इस तरह से। तो इसको मैंने एक बर्तन में डाल लिया, बर्तन को हमने जो गैस पे बर्तन रखा था उबलते पानी में डाल देना और गैस को कर देंगे बंद। और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे आलू को इस तरह से ढक के, जब गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि अगर हम पानी में आलू को उबालेंगे तो आलू थोड़ा टुकड़े टुकड़े से हो जाता है, टूटने लगता है। तो इस तरह से आप आलू को डाल कर गर्म पानी में रख दें 15 या 20 मिनट के लिए। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, हम आलू का पानी निकाल लेंगे एक छलनी से। आलू हमारे 90% सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए मैंने आलू का पानी निकालने के बाद एक बर्तन में डाल लिया है, अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो पहले तो डाल देंगे 2 से 3 बूंद ऑयल की, आप चाहे तो ओलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें ओरिगैनो डाल देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे नमक, चिली फ्लेक्स, 1.5 चम्मच अरारोट डाल देंगे, आपके पास कॉर्न स्टार्च हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच ब्रेड क्रम्स के और इन सबको हमने मिक्स कर लेना है फिर अच्छे से, ताकि जो हमारे मसाले और अरारोट वगैरह है जो आलू पे अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए मसाले आलू पर अच्छे से चिपक चुके हैं, इन्हें एक बार फिर से हिला लेंगे ताकि जो बाकी मसाले वो भी अच्छे से चिपक जाएं। तो उधर गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल, उसे हाई हीट पे गर्म कर लेंगे। गैस को हमने हाई हीट पर रखना है, इन्हें हाई हीट पे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। अब इसमें डाल देंगे हमने जो आलू मसाला लगा के रखे थे वो उसमें डाल देंगे और इन्हें हाई हीट पे हमें क्रिस्पी कर लेना है। तो 1-2 बार इस तरह से हिला दे ताकि आलू हमारे आपस में चिपके ना। ये स्नैक्स फटाफट से तैयार हो जाता है और बच्चों को खूब पसंद आएगा। जब छोटी मोटी भूख लगी हुई तो आप बच्चों को बना के दे सकते हैं इसे और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है ये। तो देखिए एक तरफ से हमारे आलू का स्नैक अच्छे से गोल्डन हो चुका है, तो इसे दूसरी तरफ से भी कर लेंगे। तो देखिए आलू का स्नैक्स हमारा तैयार है, इसे निकाल लेते हैं, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो आलू का चटपटा स्नैक्स हमारा बन के तैयार है, इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, इसमें थोड़े से मसाले और ऐड कर देंगे, थोड़ा सा डाल देंगे काला नमक, अमचूर पाउडर थोड़े से डाल देंगे, ऊपर से चिली फ्लेक्स, और इन्हें मिक्स करने के बाद प्लेट में सर्व कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें टमाटो सॉस भी डाल सकते हैं इसी तरह से, उसे भी अच्छे से मिक्स करके और फिर आप प्लेट में सर्व कर सकते हैं या अलग से भी डाल के खा सकते हैं। ये ऐसे भी खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।